दुनिया भर में कोरोना महामारी से अब तक 40 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पहली लहर के दौरान भी लाखों लोगों ने जान गंवाई थी। हालांकि कई देश अपने लोगों को वैक्सीन लगाने पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहे हैं। पहली और दूसरी लहर के कोरोना काल में चपेट में आने के बाद लगभग 40 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि कई देश अपने नागरिकों को बचाने के लिए लगातार वैक्सीन पर जोर दे रहे हैं और लगा भी रहे हैं, पर तेजी से लगातार स्वरूप बदल रहा कोरोना वायरस चिंता का सबब बना हुआ है। अल्फा से लेकर सबसे खतरनाक कोरोना वेरिएंट अभी भी लोगों को अपना शिकार बना रहा है। खबरों के मुताबिक कोरोना वायरस से मौतों को 20 लाख तक पहुंचने में एक साल का समय लगा, जबकि अगले 20 लाख तक पहुंचने में केवल 166 दिनों का समय दर्ज किया गया। दुनिया भर में अगर कुल मौतों की बात की जाए तो शीर्ष 5 देश USA, ब्राजील, भारत, रूस और मैक्सिको में 50% मौतें हुई, जबकि पेरू, हंगरी, बुल्गेरिया, चेक रिपब्लिक और जिब्राल्ट में मृत्यु दर सबसे अधिक रही। बोलीविया, चिली और उग्रवे में अस्पतालों में बड़े पैमाने पर 25 से 40 वर्ष के बीच के कोरोना रोगियों को देखा जा रहा है, क्योंकि पहली लहर के बाद दूसरी लहर में युवा काफ़ी संक्रमित पाए गए। वहीं ब्राज़ील के साओ पाउलो में ICU में रहने वालों में से 80% कोरोना मरीज हैं। बढ़ती मौतों से विकासशील देशों में शमशान में लाशें दफनाने के लिए कब्रों की कमी देखी गई। भारत और ब्राज़ील ऐसे देश हैं जो 7 दिनों में औसत पर हर दिन सबसे अधिक मौतों की रिपोर्ट कर रहे हैं और अभी भी दाह संस्कार और दफन स्थान की कमी से परेशान हैं। गरीब देशों में जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। हालांकि अमीर देशों से महामारी को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन और अन्य सामग्री का दान देने का आग्रह किया जा रहा है। बता दें कि G7 ग्रुप के सदस्यों ने शपथ ली है कि गरीब देशों को 1 अरब कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जाएगी ताकि वो अपने नागरिकों को टीका लगा सके। ऐसे खेड़े चे कोई वे राजा ते कोई वे प्यादा, प्यादे दे राजा खिडारी ले हुंदे खिडाउणा, ते मैं कितने फैसले किन्या नू एथे खिडाउणा, ते मैं ही खिडारियां नू खेड़े सिखाउणा।